सबसे पहले मैं आज बहुत खुशी जताता हूँ कि बहुत दिनों से जो बात हम कह रहे थे उसका आज सपना पूरा होने की शुरुआत हुई है। आपको पता है कि हम लोग जो डीजल बस नागपुर कॉर्पोरेशन में यूज करते हैं तो डीजल की प्राइस पर किलो पर लीटर 69 रुपीज है, एवरेज 3 किलोमीटर का मिलता है और कॉस्ट पर किलोमीटर 23 रुपए है। सीएनजी की कीमत प्राइस जो है वो 58 रुपीज पर केजी है, इसके एवरेज 4 किलोमीटर है और कॉस्ट जो गिरती है वो 14.5 रुपीज पर किलोमीटर होती है। जो एलएनजी है उसकी प्राइस 46 रुपीज पर केजी है, इसकी एवरेज 4 किलोमीटर है और कॉस्ट करीब 11.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है। अभी हम लोग जो यहाँ नागपुर महानगर पालिका की जो बसेस है करीब 400-450 बसेस है उनका कन्वर्शन सीएनजी में कर रहे हैं। एलएनजी हमारे भविष्य का फ्यूल है और एलएनजी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एलएनजी अच्छा है और 50 किलोमीटर के अंदर काम करने के लिए सीएनजी अच्छा है। तो आज हम लोग सीएनजी के ऊपर हमारे नागपुर में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बसेस, दो बसेस वो भी कन्वर्ट हुई है और मुझे लगता है कि किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डीजल के तुलना में इसका इतनी बड़ी बचत है कि लोग खुद होकर अब इसको लाइन लगा कर लेंगे। और इसमें मेरा आग्रह रहा कि ट्रैक्टर के लिए पहले इसका फायदा हो, तो पिछले एग्रो विजन में हमने महिंद्रा का ट्रैक्टर सीएनजी में कन्वर्ट करके उसको लॉन्च किया है और अभी मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में हम सीएनजी इसको लॉन्च करेंगे। जो सीएनजी है वो एलएनजी लिक्विड इसमें आने के बाद उसको कॉम्प्रेस करने के बाद उसका सीएनजी में कन्वर्शन होता है, पर हमने इसके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं डाला। हम लोग जो सीएनजी तैयार करेंगे वो विदर्भ के किसान तैयार करेंगे, ऐसी हमारी संकल्पना है। अभी मैं खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट से 18 टन पर डे सीएनजी तैयार करता हूँ, तो 18 टन ये यानी करीब 18,000 किलो, पर इस पर वो है वो डिस्ट्रिक्ट से है। पर अभी हमारा जो प्लान है कि राइस स्ट्रॉ जिसको हम तनस कहते हैं उससे हम सीएनजी बनाने के 5 प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। उसमें तुमसर में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और ये जो 5 प्रोजेक्ट है ये करीब 5 टन तनस से राइस स्ट्रॉ से 1 टन सीएनजी तैयार होगा। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ रामटेक तालुका में आरोली करके जो गांव है वहाँ मदर डेयरी करके के लिए नेपियर ग्रास लगाया गया। 1 एकड़ में 200 टन नेपियर ग्रास निकलता है और उसकी उसमें 60% मॉइस्चर जब होता है तो भी उसकी कैलोरिक वैल्यू 6000 है। तो नेपियर ग्रास को बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे बायो सीएनजी तैयार करने की भी हमने योजना बनाई है। इस योजना से विदर्भ में कम से कम 125 से 150 प्रोजेक्ट शुरू होंगे, करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को 1 एकड़ में 2 लाख रुपए का फायदा होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए हमने ये कहा है कि हम धीरे धीरे सीएनजी पर सब कन्वर्ट करेंगे जिसके कारण हम डीजल से भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा 6 जिलों से डीजल को मुक्ति दिलाएंगे। पर यहाँ तक ये बात रुकी नहीं है, हमने अब नागपुर महानगर पालिका में जो हमारे 7 बायोडाइजेस्टर पड़े थे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थे उन्होंने हमने हमारा टॉयलेट का जो पानी था नागपुर शहर का वो कोराड़ी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट के लिए बेचा है और अभी मौदा के एनटीपीसी के लिए भी शायद कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट किया है। तो आप समझ लीजिए कि यह पूरे काम से 180 करोड़ रुपए गंदे पानी को शुद्ध करके बेचने के बाद नागपुर महानगर पालिका की आमदनी होगी। अब ये जो 180 करोड़ रुपए ये पानी की कीमत है, पर जो 7 बायोडाइजेस्टर पड़े हैं उसमें से इस गंदे पानी से मीथेन निकालकर मीथेन से CO2 को अलग करके हम उससे बायो सीएनजी निकालेंगे।
और ये 7 बायोडाइजेस्टर में से 5 बायोडाइजेस्टर में नागपुर महानगर पालिका ने आश्वस्त किया है कि मटन मच्छी और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट की डायरेक्ट वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट हम बायोडाइजेस्टर में डालेंगे और करीब 40-50 टन पर डे बायो सीएनजी वहां तैयार करेंगे। तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर के लिए बसेस के लिए लगने वाला बायो सीएनजी ये इस सोर्स से मिल जाएगा। ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और पोल्यूशन फ्री है। इसके साथ साथ अभी हम 3 बायोडीजल के पंप चालू हमने किए हैं जिसमें 5 रुपए लीटर सस्ता डीजल मिलता है और वो भी बड़े प्रमाण पर 2,00,000 लीटर हम लोग बेचते हैं। तो एक प्रकार से ये जैविक ईंधन है। और आपको पता होगा कि पिछले 26 जनवरी को हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट और हमारा हेलीकॉप्टर ये 100% बायो एविएशन फ्यूल पर चले। जेट्रोफा ऑयल से हमारे डेहराडून के पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने जो ऑयल बनाया था एविएशन फ्यूल उस पर चले थे। अब स्पाइस जेट का एक विमान, आपको पता होगा कि डेहराडून से दिल्ली हमने 25% बायो एविएशन फ्यूल पर लाया। तो हमारे गढ़चिरौली जिले में रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली जैसी नॉन एडिबल ऑयल सील है, उसके ऑयल से एविएशन फ्यूल को तैयार करना। फिर तनस है, नेपियर ग्रास है, कॉटन स्ट्रॉ, पराठा, तुराठा, ज्वारी से फंड, इससे भी हम लोग बायो सीएनजी तैयार कर सकते हैं। और ये तैयार हुआ सीएनजी पर हमारी ट्रैक्टर, बसेस और ट्रक चलेगी। आज ये जो सुविधा हुई है इसमें और एक अच्छा काम हुआ है कि इन्होंने एलएनजी भी लाया है। तो एलएनजी जो है, जो हमारे नागपुर से पुणे, नागपुर से हैदराबाद जो बसेस है उनके लिए एलएनजी ज़्यादा उपयोगी और ट्रक के लिए उपयोगी है। तो अभी WCL है, कोयले के ट्रक है, बाकी भी ट्रक है, इसका कन्वर्शन एलएनजी पे होगा और जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ इसमें 50% बचत होगी। अगर आज कोई डीजल चलाने के बजाय अगर एलएनजी पे जाता है तो उसका महीने का खर्चा अगर 70,000 रुपये डीजल का है तो उसके बजाय 35,000 रुपये एलएनजी का होगा, 35,000 की बचत होगी। कारपोरेशन का 60 करोड़ का घाटा बस ट्रांसपोर्ट पर है। अभी मुझे लगता है इसमें मैंने वो पकड़ा नहीं कि डीजल की चोरी कितनी करते थे, पर गैस की चोरी नहीं हो सकती। तो उसके कारण कारपोरेशन का घाटा मेरे अंदाज से एक साल में ही निकल जाएगा और आने वाले समय में कारपोरेशन को इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। और मैंने अनुरोध किया है कि हमारे कारपोरेशन की जो 100-150 कार है वो भी सीएनजी पर कन्वर्ट करें और 101 ट्रक भी सीएनजी पर कन्वर्ट करें तो कारपोरेशन की सालाना बहुत बड़ी बचत होगी। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी, क्योंकि डीजल से बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। तो डीजल से पोल्यूशन में कमी आएगी, इंपोर्ट बिल जो हमारा कम होगा और उसके साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव है, 50-60% सस्ता है और इसके कारण बहुत अच्छी तरीके से हमारे पर्यावरण की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम रूरल और एग्रीकल्चर में ये बायो सीएनजी तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल डीजल के बजाय हमने किसानों ने तैयार किया हुआ सीएनजी यहाँ आएगा और उसके ऊपर हमारी बसेस, ट्रक और कार चलेगी। तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा, हमारा इम्पोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा। और इसलिए नागपुर ये हिंदुस्तान का पहला शहर है जिसने अपने टॉयलेट के पानी को 180 करोड़ रुपए में बेचकर महानगर पालिका ने पैसा कमाया। नागपुर ये पहला शहर है कि जहाँ की मेट्रो 65% सोलर पावर पे चलती है। नागपुर ये पहला शहर है कि जहाँ आपकी बसें सभी पूरे बायो सीएनजी पर चलेगी। और ये जो आज प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है मदर स्टेशन का, ये अपने देश का प्राइवेट सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट है। मैं मिस्टर गुप्ता जी को और सुब्बाराव को, जो इसके प्रोपराइटर हैं, इन्होंने डेयरिंग दिखाकर वो आगे आए, मैंने उनको बहुत उत्साह दिया और मैंने कहा कि आप इसमें आइए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और नागपुर महानगर पालिका ने भी इसमें विशेष सहयोग दिया। अब नागपुर महानगर पालिका का काम तो बहुत हो ही जाएगा और उसके बजाय मेघे साहब के इंजीनियरिंग कॉलेज की बसेस, रायसोनी और बाकी सब बसेस वाले जो ट्रैवल्स कंपनी वाले की बोटी बोरी, वो सब लोग आगे आए हैं। और आगे अब
मुठी बोरी कोराड़ी खापरकेड़ा नागपुर शहर में इसके गैस पंप खुलेंगे और इसके कारण भी लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नया सेक्टर जिससे हमारे फैक्ट्री में जो गैस यूज करते हैं वो अगर एलएनजी यूज करेंगे तो उनकी बचत 50% हो जाएगी तो पूरे इंडस्ट्री का भी फायदा होगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और सबसे बड़ी बात हमारे किसान अब विदर्भ की इकोनॉमी इसके आधार पर डेवलप होगी। ये जो मेरा लगातार अनेक दिनों से प्रयास था उसकी एक शुरुआत आज हुई है और अभी इसके बाद जो 7 बायोडाइजेस्टर है नागपुर महानगर पालिका में उसका भी काम शुरू हुआ है और अगले 2 महीने में वहां से 50 टन सीएनजी मिल जाएगा। जो शौचालय की सॉलिड स्लज होती है 650 टन इससे भी हम बायो सीएनजी निकाल रहे हैं और उससे भी जो निकलेगा वो खाद निकलेगा जो ऑर्गेनिक खाद के रूप में किसानों के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ऐसी नई शुरुआत नागपुर में हुई है। नागपुर महानगर पालिका के मेयर को महापालिका को मैं धन्यवाद दूंगा पर इसमें विशेष रूप से परिवहन समिति के जो अध्यक्ष है बंटी कुकड़े इनके लगातार सपोर्ट के कारण और परिश्रम के कारण ये प्रोजेक्ट होने में काफ़ी अड़चनें दूर हुई, उनको और उनके टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा और आने वाले समय में नागपुर की जनता में अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करना, बसेस को कन्वर्ट करना, ट्रक को कन्वर्ट करना इसकी किट भी हमने लाई है, ARAI से उसका अप्रूवल लिया है। इतना ही नहीं तो ट्रैक्टर के लिए भी अप्रूवल लिया है। अब प्लास्टिक का सिलेंडर जर्मनी से लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वजन कम हो। इन्होंने जो बड़े बड़े बसेस पर जो LNG के 8 सिलेंडर लगाए हैं CNG के उसके कारण काफ़ी बड़ा एवरेज भी मिलेगा और बीच में गैस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भी बस कारपोरेशन की 3 दिन में एक बार ही उनको गैस देना पड़ेगा और ऐसे गैस के स्टेशन एक वाड़ी में उसकी शुरुआत हो रही है, एक वर्धा रोड पर हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ भी हो रही है और इसके कारण अब धीरे धीरे इसके स्टेशन भी खुलेंगे और नागपुर शहर की जनता को पैसे की बचत होगी और एक नए युग में हम लोग जा रहे हैं उसकी आज शुरुआत हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं बोलता था वो अब दिख रहा है तो उसके कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सुब्बाराव को, गुप्ता जी को कि उन्होंने इस वेंचर की शुरुआत की है और अब बड़े प्रमाण पर वो कन्वर्शन का काम भी कर रहे हैं और मैं उनको कहा कि अभी नागपुर के चारों बाजू में उमरेड रोड पर, अमरावती रोड पर, वर्धा रोड पर, काटोल रोड पर और कामठी रोड पर सब जगह कीट कन्वर्शन करने के भी सेंटर साफ खोली है। मुझे खुशी है कि मैं अपने ऑफिस में एक मैंने सेल बनाया, मैं बेरोजगारों को रजिस्टर करता हूँ और मैंने अभी तक मेरे ऑफिस से करीब 15-16 हज़ार लोगों को रोजगार दिया है और अपने बिहार में अभी तक मैंने वहाँ काफ़ी ऐसे उद्योग आते हैं। अभी SCL में 10 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, 3 हज़ार को अभी मिल गया है, वहाँ के भी कंपनियों में मैं लगातार फॉलोअप करता हूँ। तो मेरे लिस्ट में जो ITI के और इंजीनियर लड़के थे उसकी मैंने 500 की लिस्ट इस कंपनी में भेजी थी और उन्हें पहले 50 लड़कों को नागपुर के बेरोजगार युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि 500 की जो लिस्ट है उसके आगे के भी लोगों को आने वाले 6 महीने में हम काम सिखाएंगे और उनको रोजगार देंगे। ये उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.